हेलो दोस्तों, मोबाइल किंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जियोनी मोबाइल पे गूगल अकाउंट जो मांगता है उसको हमें कैसे रिमूव करना है। गूगल अकाउंट तो आपने देखा ही होगा, उसको हमें रिमूव कैसे करना है आज हम आपको ये बताने का तरीका जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जियोनी का P5 मिनी मोबाइल है ना। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टच करके। जियोनी P5 मोबाइल, इसको हमें गूगल रीसेट करना है, मतलब गूगल आईडी जो मांगता है उसको अपन कैसे हटाना है। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखना और प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको हर बार नया नया वीडियो देखने को मिलेगा। और प्लीज़ जो घंटी के बटन साइड में उसको भी दबा दीजिए, उससे क्या होगा आपको जो भी वीडियो डालूंगा मैं आपको पहले वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें। देखो दोस्तों, ये मोबाइल आपका FRP लॉक मांग रहा है। हाँ, ये आप कैसा आ करके ब्रेक करेंगे, फास्ट वीडियो नहीं कर रहा हूँ, फास्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, पूरी वीडियो को गौर से देखें। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नीचे से मैंने सेलेक्ट कर दी, ये ऐसा करके जाएगा। FRP लॉक ही मंगेगा जियोनी का, इसको अपन को सेलेक्ट करना है, सेटिंग पे आना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अबाउट है, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये गूगल अकाउंट मांग रहा है ना, गूगल अकाउंट मांगता है, इसको हमें कैसे हटाना है। इसके लिए अपन को स्लाइड करना है, सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाकर के अबाउट में आना है। अबाउट में आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोवर ऑप्शन होगा, बोल्ड नंबर, इसको अपन को टच करना है। एक ऑप्शन ओपन होगा, ये वेट करना है। एडवांस सेटिंग में आना है, एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको डिप्लोवर ऑप्शन में आना है। लोअर ऑप्शन में आने के बाद वो EM अनलॉक को टच करना है, रोमिंग को भी ऑन करना है। ये दोस्तों इसके सभी ऑन है, इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको पास रिकअप एंड रीसेट में आना है, रिकअप एंड रीसेट। पेन ड्राइव के जरिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उसको कहाँ से करना है। आपको फिर से उसमें पेन ड्राइव लगाना है, वैसे ही पेन ड्राइव लगा दीजिए। बैकअप एंड रिस्टोर, देखिए दोस्तों यहाँ पे अकाउंट है, अकाउंट को चेक कर लीजिए, अकाउंट कुछ नहीं है। बैकअप एंड रिसेट सर ऑन है, ये सभी नो, फैक्ट्री रिसेट, फोन स्टोरेज डाटा कृष्णा, रिमूव एप्लीकेशन कन्फर्म।
दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। अगर कुछ चीज़ की जानकारी लेना है मोबाइल के बारे में तो कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर वहाँ प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी उससे मेरी हिम्मत आएगी और मैं फिर से नए नए वीडियो बना करके डालूँगा। वेट करें, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो को नहीं कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अगर आपको समझ इसको वेट करना है तो आप नेक्स्ट थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना वीडियो देखने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से हर चीज़ समझ सकें। टाइम लगेगा ये चालू होने में, भूल से ऐसा होते रहे तो बैटरी ना निकाले, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल भी ना निकाले। जितना टाइम ले रही है उतने टाइम इसको लेने दीजिए। अगर बैटरी निकाल दोगे तो इसका फर्मवेयर अपडेट जो है वो ख़राब हो सकता है, फिर उसके लिए आपको मोबाइल से इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, फ्लैश करना पड़ेगा। Thank you.